नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कल अयोध्या में ऐतिहासिक भूमि पूजन के बाद 5 शताब्दियों का जो संघर्ष था वो पूरा हुआ है। इस ऐतिहासिक राम मंदिर बनने के बारे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या सोचते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, कल हमने उनको अयोध्या में भावुक देखा था। योगी जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा आज कैसा महसूस हो रहा है भूमि पूजन करने के बाद, और साथ ही साथ आपकी 3 पीढ़ियों का संघर्ष वो पूरा होने के बाद। मैंने पहली बार योगी जैसे इंसान को भावुक होते हुए देखा कल। देखिए, हमारे लिए कल 5 अगस्त की तिथि से राम जन्मभूमि में भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होना एक गौरव की अनुभूति करने वाला क्षण था, आह्लादित करने वाला क्षण था, उत्साह उमंग से भरने वाला क्षण भी था। और अपने पूर्वजों के प्रति, पूज्य संतों के प्रति, उन सभी गिनित अनगिनित कार्य सेवकों के प्रति नमन करने का क्षण भी था, जिन्होंने 500 वर्षों के इस पूरे अभियान में, संघर्ष में, साधना में अपने आप को बलिदान किया। तो स्वाभाविक रूप से दोनों बातें हमारे सामने थी, एक भावुकता का क्षण भी था, लेकिन साथ साथ गौरव की अनुभूति करने का क्षण भी था कि यह अवसर प्रभु राम ने हम सबको दिया कि इस महत्वपूर्ण कार्य के हम साक्षी बन सकें। और उसके न केवल साक्षी थे बल्कि उस कार्यक्रम में पूरी तरह सहभागी भी थे। कल हमें ऐसी जानकारी मिली, प्रधानमंत्री जी ने भी आपसे कहा कि योगी जी आज तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपके पूर्वजों का काम आज पूरा हो रहा है। कैसा जुड़ाव था गोरक्षनाथ पीठ से? मैं 1949 से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ योगी जी। देखिए, 1949 में मेरे दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अयोध्या मूवमेंट के साथ जुड़े थे। यद्यपि वह एक योगी के रूप में 1934 में भी अयोध्या आंदोलन के साथ जुड़े थे, लेकिन 1949 में रामलला का प्रकटीकरण और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार, कांग्रेस सरकार के द्वारा मूर्तियों को हटाने की जिद करना, इनके कारण वहाँ तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। और तब महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने इस पूरे कार्यक्रम में हस्तक्षेप किया था और उन्होंने कांग्रेस सरकार के इस निर्णय का न केवल विरोध किया था बल्कि परमहंस रामचंद्र दास जी को, जो समय अयोध्या हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, हाईकोर्ट में उन्होंने भेजा था। और फिर यहाँ से शुरू होती है राम जन्मभूमि आंदोलन की लड़ाई। उन्होंने इस लड़ाई को वे अपने जीवन काल में तो लड़ते ही रहे, लेकिन 1969 में उनके दिवंगत होने के बाद ये मामला न्यायालय में चला गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जब 1965 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की थी, उसके बाद 1980 के दशक में, प्रारंभिक दशक में से राम जन्मभूमि मुक्ति के अभियान को प्रारंभ करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ हुए, तो इस आंदोलन का नेतृत्व संतों की ओर से कौन करेगा, ये बात सामने आई थी। तो सरदेव अशोक सिंगल जी, सरदेव मोरोपंत पिंगले जी और सदे ओंकार भावे जी, ये 3 महापुरुष गोरखपुर आते हैं। और इन्होंने उस समय मेरे गुरुजी महंत अवैद्यनाथ जी महाराज से इस बारे में कहा कि राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का अभियान प्रारंभ होना है,
इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा मैं तो पहले से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जिस भी प्रकार का सहयोग मेरा होगा मैं तैयार हूँ। उस समय उन्होंने इस बारे में कहा कि हम चाहते हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व आप करें। उन्होंने कहा देखिए भाई, मैं शैव परंपरा की नाथ संप्रदाय की पीठ का आचार्य हूँ, श्री राम जन्मभूमि वैष्णव परंपरा की रामानंदी परंपरा से जुड़ा हुआ मामला है, एक सनातनी हिंदू होने के नाते मैं इस पूरे आंदोलन के साथ हर प्रकार का सहयोग करूंगा, लेकिन अच्छा होगा नेतृत्व या तो कोई शंकराचार्य ले या फिर रामानंदी परंपरा का कोई आचार्य ले। तो बात यह आई कि नहीं, कोई भी तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा भी इस बात का वो आपके कहने से नहीं मैं मान पाऊंगा, वे आचार्यगण वे सभी संतगण इस बात का निर्णय अयोध्या में करें, फिर मैं विचार करूंगा। फिर अयोध्या में जुलाई 1984 में इससे संबंधित बैठक होती है और सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष बनाया जाता है और तब से लेकर के लगातार वह राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष अगले 20 वर्षों तक रहे, यानी अपने जीवन पर्यंत वह फिर इस आंदोलन की ओर रहे। बाद में जब 1992 में ढांचा ढहाया गया तो विश्व हिंदू परिषद और न्यास ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया, जो सरकार के साथ बातचीत करके और समय समय पे इन कार्यों की प्रगति करती थी। तो उसके अध्यक्ष भी महंत अवैद्यनाथ जी महाराज बनाए गए थे। ये सभी कार्यक्रम चलते रहे। तो स्वाभाविक रूप से कल उन सभी पूज्य संतों का जो इस पूरे अभियान के साथ जुड़े थे, जगत गुरु शंकराचार्य, पूज्य शांतानंद जी महाराज थे, पूज्य परमंस रामचंद्रदास जी महाराज थे, बीतराग स्वामी स्वामी बामदेव जी महाराज थे, अपने सुग्रीव किलाधीश पूज्य महाराज थे, इस प्रकार से अनगिनत संतों का और लाखों कार सेवकों स्वयं सेवकों इन सब का जो संघर्ष था, जो साधना थी, कल वह सिद्धि में बदल रही थी। तो हमारे लिए तो एक अद्भुत क्षण था, सौभाग्य का क्षण था, भावुकता का क्षण था और गौरव का क्षण था। और हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उस क्षण का आनंद भी लिया और उसके प्रति अपने आप को पूरी तरह प्रतिबद्ध भी किया। व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा, एक पत्रकार के तौर पे भी कहूँगा कि मेरे जीवन की ये एक अविस्मरणीय घटना है जो दो दिन मैंने अयोध्या में दिल से महसूस किया। इतना खूबसूरत सजा था अयोध्या। योगी जी, आगे क्या, क्योंकि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर तो बन रहा है लेकिन आपके प्लान्स हैं वहाँ डेवलपमेंट के भी। आपने कल कहा कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी और मुझे मालूम पड़ा कि आप अभी अभी अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में कुछ निर्णय करके आ रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने इस पर अपनी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है और हमारा प्रयास होगा कि बहुत सारी कार्य योजनाएँ तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से रामायण सर्किट का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, बहुत सारे कार्य उसमें आगे बढ़ चुके हैं। 3 वर्ष पहले हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ किया था दीपावली के अवसर पर। हम लोगों का प्रयास रहा है कि हर पर्व और त्यौहार किसी न किसी अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के साथ हम जोड़ सकते हैं। ऐसे ही दीपावली को अयोध्या के साथ जोड़ा गया है। रंगोत्सव होली का कार्यक्रम बरसाना और मथुरा वृंदावन के साथ जोड़ा गया और फिर उसकी ब्रांडिंग करना, उसको एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करके न केवल श्रद्धालुओं की श्रद्धा को सम्मान देंगे, उनकी आस्था को सम्मान देंगे, बल्कि पर्यटन विकास की उन संभावनाओं को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और ये कार्य अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है। आपको से राम जन्मभूमि आंदोलन के उस पूरे अभियान में बहुत नज़दीक से आप जुड़े रहे हैं और रिपोर्टिंग आपने बहुत नज़दीक से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पिछले 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष के अंदर अयोध्या का नक्शा कुछ बदला हुआ दिखाई दिया होगा, वहाँ की सड़कों के बारे में, वहाँ के पार्कों के बारे में, लटकते हुए तारों के बारे में, राम जी की पीढ़ी में जो जल का प्रवाह हो रहा है, पहले वहीं जल जम जाता था, वहीं सड़ जाता था, आज ऐसा नहीं, आज पानी एक तरफ से आ रहा है, निकलने की व्यवस्था की गई है।
ऐसे ही अयोध्या में नया बस स्टेशन बन रहा है, उसके विस्तार की कार्रवाई अब प्रारंभ भी होने जा रही है। इसी प्रकार से एयरपोर्ट का निर्माण वहाँ होने जा रहा है। हम लोग वहाँ पे लगभग 500 एकड़ के आसपास लैंड ले चुके हैं और लगभग 100 एकड़ के आसपास और लैंड ले रहे हैं, जिससे एक बड़ा एयरपोर्ट वहाँ बन सके। मेडिकल कॉलेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले ही वहाँ दे चुके हैं। राजसी दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। माता कौशल्या के नाम पर निराश्रित महिला और अनाथ बच्चों के लिए भी हम लोग एक कौशल्या कुटीर नाम पर खोल रहे हैं। माता सीता के नाम पर भी वहाँ पर कुछ चीज़ हम लोग स्थापित करेंगे। तो अयोध्या एक नई दिशा में, एक वैदिक रामायण सिटी के रूप में, जहाँ अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की कार्ययोजना भी बनेगी, लेकिन साथ साथ आधुनिक विकास की वे सभी गतिविधियाँ भी वहाँ दिखेगी और रोजगार और पर्यटन की भी ढेर सारी संभावनाएं वहाँ के बढ़ेंगी। इस रूप में हम लोग वहाँ की व्यापक कार्ययोजना को लेकर के चल रहे हैं और मेरा विश्वास है कि अयोध्या विश्व मानचित्र पर, वैश्विक मानचित्र पर जिस चीज़ की हकदार थी, वो अयोध्या को कल प्रधानमंत्री जी ने उस युग का शुभारंभ कर दिया है। यानी हिंदुओं का सबसे बड़े धार्मिक स्थल के तौर पर अयोध्या की हमेशा से मान्यता रही है। देखिए, 7 पुरियों में से एक पुरी है, तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या का अधिकार था और अयोध्या को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं आध्यात्मिक तौर पर, अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री के तौर पर, अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत तौर पर, तीनों आपके लिए एक अनूठी स्मृति लेकर आए होंगे कल। मैं मंदिर आंदोलन, जितना लंबा आंदोलन चला और आप इतने, आपकी पीठ इतने लंबे समय से जुड़ी है इससे, कोई ऐसी स्मृति जो आज हमारे साथ आप शेयर करना चाहें, कार सेवा की या जो आंदोलन हो रहे थे उसमें किस किस तरह की कठिनाइयाँ आई? देखिए देखिए, 1989 का जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि के शिलान्यास की बात कही गई थी, उस समय की घटना है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री गोरखपुर पहुंचते हैं और महंत अवैद्यनाथ जी महाराज से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद हैं, हम उनका सम्मान करेंगे और मैं वहाँ जाके मिलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। वे गए थे दिल्ली, स्वर्गीय राजीव गांधी से उनकी बातचीत शुरू हुई। ये सभी लोग बैठे थे, सभी लोगों ने इस बारे में उनसे कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं वहाँ शिलान्यास हो। उन्होंने कहा स्वागत है, हम भी चाहते हैं राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो, लेकिन सवाल ये है कि शिलान्यास कहाँ पे हो। अच्छा, ये केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, रामलला की जन्मभूमि का प्रश्न है। हम मंदिर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, रामलला जहाँ प्रकट हुए थे, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो स्थान हमें चाहिए। अगर आप वहाँ शिलान्यास करना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन कांग्रेस छल करना चाहती थी देश के साथ, वो वहाँ से दूर शिलान्यास चाहती थी। तो महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, ये स्वीकार्य नहीं। वो लोगों ने इसको बाद में इस रूप में जोड़ना शुरू किया कि महंत जी ने शर्त रखी कि भाई इससे बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद को क्या फ़ायदा होगा। हमारी शर्त उनकी शर्त थी, उन्होंने कहा राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की अध्यक्ष के रूप में मैं इस बात को कहता हूँ कि जहाँ रामलला विराजमान है, संतों की और पूरे आंदोलन की मांग है, वहाँ पे मंदिर निर्माण होना चाहिए, आपने इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। दूसरा, 1986 का जब राम जन्मभूमि आंदोलन 1984 में शुरू हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के तत्काल बाद आंदोलन स्थगित हो गया था। संतों का 1 मार्च दिल्ली के लिए निकल रहा था, बाद में स्थगित करना पड़ा था, यह अयोध्या से शुरू हुआ था। लेकिन 1986 में ताला खुलने की जो स्थिति आई थी, जब राम जन्मभूमि का ताला खुलना है और ताला खुलने के बाद फिर आगे के कार्यक्रम को बढ़ाना है, तो स्वाभाविक रूप से उस समय महंत अवैद्यनाथ जी महाराज अध्यक्ष थे, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और स्वर्गीय के.एम. पांडे डिस्ट्रिक्ट जज थे, तीनों संयोग तीनों गोरखपुर के थे। अच्छा। तीनों गोरखपुर के थे और कार्यक्रम हुआ,
जो लोग होबा खड़ा करते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला आ जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला भाई। 1986 में कुछ नहीं हुआ, 2010 में कुछ नहीं हुआ, और 2019 में भी कुछ नहीं हुआ। भारत की जनता लोकतांत्रिक तरीके से संविधान सम्मत शांतिपूर्ण फैसला चाहती थी, और वही हुआ। और उसने एक बार फिर से साबित किया है कि भारत की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर कितना विश्वास करती है। 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के बाद जो शांति थी और जो स्वीकार्यता थी वह सचमुच अभिनंदनीय थी, स्वागत योग्य थी। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा असदुद्दीन ओवैसी की, जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं। सवाल ये, उनका कहना है कि आपका और प्रधानमंत्री जी का जाना सेक्युलर नहीं है, क्योंकि देश के शासक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं होता। उनका ये भी कहना है कि बाबरी मस्जिद वहाँ थी, है और रहेगी। कैसे देखते हैं आप इस आलोचना को? देखिए, अब बाबरी ढांचे की बात करना है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला दे चुका है और सर्वसम्मति से फैसला दे चुका है, अब उसकी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, वह नया युग जो राम राज्य के आदर्शों को अंगीकार करने वाला होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 वर्ष के दौरान देश के अंदर शासन व्यवस्था का संचालन जिस रूप में किया है, ये आदर्श शासन व्यवस्था का एक प्रकार है, एक आधार है, एक उदाहरण है। हमने आवास सबको दिया बिना भेदभाव के, हमने रसोई गैस के कनेक्शन सबको दिए बिना भेदभाव के, विद्युत के कनेक्शन सबको दिए बिना भेदभाव के, किसान सम्मान निधि में किसान सम्मान निधि का पैसा सबको दिया बिना भेदभाव के, आयुष्मान भारत में प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा का कवर किया बिना भेदभाव के, नेशनल पोर्टेबिलिटी में राशन कार्ड को देश के अंदर कहीं भी आप उपयोग कर सकते हैं बिना भेदभाव के। यही है राम का आदर्श। हमें अवसर मिला है, हम बिना भेदभाव के सबको शासन की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। हमने भेद किसी के साथ नहीं किया, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न क्षेत्र है न भाषा है। सबका साथ सबका विकास, यही रामराज्य की अवधारणा है, और इसी को साकार करने का कार्य वर्तमान सरकारें कर रही हैं, यही तो काम हो रहा है। और कल से राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास की आधारशिला उस एक नए युग को आह्वान कर रहा है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप ही भारत की यश और कीर्ति देश और दुनिया में इसी रूप में गूंजेगी। इस बात का आह्वान कल का भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का जो आयोजन था वह इस बात को प्रदर्शित करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमेशा ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाने के बाद, कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद, कल भी उन्होंने एक बड़ा ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट किया और उसकी भाषा एक तरह से धमकी की तरह थी। वो सोफिया मस्जिद का उदाहरण दे रहे थे जो बाहर देश से बाहर बनी है, कि वहाँ पर एक बिल्डिंग गिराकर मस्जिद बना दी गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये संकेत देने की कोशिश की। गलतफहमी सब लोग मान लें, फिलहाल राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है और भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के साथ ही वहाँ पे भव्य मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। हम लोगों को किसी भी प्रकार की धमकी भरी भाषा ना पहले स्वीकार्य थी ना आज स्वीकार्य है। हम शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान चाहते हैं, और आगे भी हमारा अंतिम दम तक प्रयास होगा कि हर कार्य को हम संवाद से समाधान निकालें। फिर भी अगर कोई टकराहट की नौबत लाना चाहेगा तो 500 वर्षों का परिणाम सबके सामने है, आगे भी लोग देख लें। अब साधु संतों ने अयोध्या की एक मांग की है कि वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश है कि वहाँ से कुछ दूरी पर एक मस्जिद बनाई जाए अयोध्या की सीमा के अंदर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उनका ये कहना है कि इसका नाम बाबरी मस्जिद ना हो, ये उनका कहना है। ये तो हर एक व्यक्ति को तय करना, हर भारतवासी को तय करना चाहिए कि किसी भी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई भी स्थल और कोई भी स्मारक
भारत के अंदर न बने। हम सब भारतवासी हैं, हम सबको भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारे मत, हमारी उपासना विधि अलग अलग हो सकते हैं, हमारा संप्रदाय अलग हो सकता है, लेकिन हमारे पूर्वज तो एक हैं। उपासना विधियों में भेद हो सकता है, उपासना विधि हमारी उपासना विधि हमारी राष्ट्रीयता के कार्य में आड़े नहीं आनी चाहिए, और हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि देश सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। हम अपनी राष्ट्रीयता के साथ खिलवाड़ करके अपनी उपासना विधि के लिए अपनी राष्ट्रीयता को दांव पे नहीं लगा सकते। ये हमेशा हुआ है, आगे भी हम करेंगे, और मैं चाहूँगा कि कुछ सीख लेनी चाहिए इन लोगों को, कम से कम इंडोनेशिया जैसे देशों से जो देश राम को अपना पूर्वज मानते हैं, उन देशों से। इंडोनेशिया तो दुनिया के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी का देश है। हमने दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में जब भी किया, तीनों बार हम लोग इंडोनेशिया की रामायण को लेके आए थे। वे साल में एक दो बार विजिट करते हैं अयोध्या का, बड़े खुशी के साथ आते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, हर पात्र मुस्लिम है। उनसे पूछो, कहते साहब इस्लाम हमारी उपासना विधि है, लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं। उपासना विधि बदली जा सकती है, पूर्वज नहीं बदले जा सकते। ये सद्बुद्धि इन लोगों को भी आती, इस प्रकार के ट्वीट और इस प्रकार के बकवासपूर्ण बयानबाजी ये लोग नहीं करते। देर आएगी, दुरुस्त आएगी, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि देगी। जो मांग थी कि सरकार जो ट्रस्ट बना रही है मस्जिद के लिए, उसमें ये कहे कि उसका नाम बाबरी नहीं होना चाहिए, क्या सरकार इस तरह की, मैं क्या कह रहा हूँ ना जी, किसी भी विदेशी आक्रांता के नाम पर किसी भी ढांचा स्मारक का नाम नहीं होना चाहिए। आज की हमारी आवश्यकता क्या है ये हम देखेंगे। देखे, अयोध्या में हम केवल एक मंदिर के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, रामलला की जन्मभूमि है, और जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर तो अनेक होंगे, लेकिन इसकी अपनी विशेषता है, इसकी अपनी एक पहचान है, इसके प्रति अपनी एक आस्था है, इसलिए इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। और ये चीज़, इन भावनाओं का सम्मान हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, हर भारतीय को करना चाहिए जो भारत पे आक्रांता बन करके आया है, और भारत के किसी नागरिक का आदर्श नहीं हो सकता। अगर कोई मानता है तो मुझे लगता है कि वह फिर अपने साथ भी और देश के साथ भी धोखा कर रहा है। आगे बढ़ें, एक मांग ये भी उठाई और इकबाल अंसारी ने मेरे एक शो में उठाई कि आडवाणी जी, जोशी जी जैसे लोगों पे जो केस चल रहा है बाबरी डेमोलिशन का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला सेटल हो गया है, वो केस वापस हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट उसकी निगरानी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी स्वयं कर रहा है, डे टू डे की सुनवाई लगभग फाइनल स्टेज में चल रही है, और मुझे लगता है कि न्यायालय के फैसले को आने देना चाहिए अब। और मुझे लगता है कि इकबाल अंसारी जी ठीक सोचते होंगे, और मुझे लगता है कि अब राम जन्मभूमि से जुड़े हुए सभी मामलों का पटाक से हो जाना चाहिए। आप आगे अगर हम बढ़ें तो लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ साधु संत और कुछ लोगों ने, पुरोहित सभा ने एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई है जो धार्मिक यथास्थिति का कानून है उसके खिलाफ। क्या आप भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे पर काशी और मथुरा भी होंगे, आपको क्या लगता है उनको एजेंडे पर इन दोनों स्थानों को लेना चाहिए, काशी और मथुरा? देखिए, हम लोग फिलहाल तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई के ट्रस्ट के अभियान के साथ उनको अपना सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। अयोध्या के समग्र भौतिक विकास, वहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को छुने बनाए रखते हुए यह कार्य प्रारंभ हुआ है। काशी में 6 वर्ष पहले यह कार्य प्रारंभ हो चुका है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। मथुरा वृंदावन में भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके हमने इस कार्य को आगे बढ़ा दिया है। विकास की प्रक्रिया के साथ इन्हें जोड़ना, वहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को छुने बनाए रखना,
इसको हम उसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और कार्य अपने अनुसार चल रहा है। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अयोध्या आना चाहते थे, कोविड के कारण नहीं आ पाए, आडवाणी जी की उम्र ज़्यादा है, जोशी जी की उम्र ज़्यादा है और ऐसे कई लोग हैं, क्या आने वाले समय में उनको अयोध्या ले जाने का, दर्शन कराने का, दिखाने का? कोविड-19 का थोड़ा प्रभाव जैसे कम होगा, हमारा प्रयास होगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए सभी महानुभावों को अयोध्या किसी न किसी बहाने हम कार्यक्रम के साथ जोड़ें, एक उत्तर प्रदेश के भी और देश के भी, हर एक राज्य को, हर एक जनपद को किसी न किसी रूप में हम अयोध्या के इस राम मंदिर निर्माण के अभियान के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। ट्रस्ट से बातचीत हमारी चल रही है। योगी जी, जब हम शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी कवर करते थे तो इसको एक अनटचेबल पार्टी माना जाता था। ये माना जाता था जो लोग धारा 370 को हटाने की बात करेंगे, जो लोग राम मंदिर बनाने की बात करेंगे और जो कॉमन सिविल कोड को हटाने की बात करेंगे, उन पार्टियों के साथ सेक्युलर पार्टियां कोई समझौता नहीं करेंगी। देश की राजनीति की दशा और दिशा अब बदल गई है, दो वादे पूरे हो चुके हैं, 370 वाला और राम मंदिर वाला। आपको लगता है कॉमन सिविल कोड भी अब एजेंडे पे होना चाहिए? ट्रिपल तलाक का भी कानून पास हुआ है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के कारण इसका संभव हो पाया है। तीन तलाक की प्रथा को, प्रथा जो सदियों से आधी आबादी को अपमानित कर रहा था, सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई, कश्मीर एक नए युग में प्रवेश कर चुका है एक वर्ष पहले, और ऐसे ही अयोध्या की 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ है। अभी देखते रहिए, जो कार्य हुए हैं इसमें आनंद की अनुभूति करिए, आने वाले समय में भी बहुत सारे कार्य होंगे। जो उपलब्धियां हैं आज की, हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, लोग आपके आलोचना करने वाली राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि योगी जी तो सब कुछ राम मंदिर में लग गए और कोविड का जो खतरा बढ़ता जा रहा है उसको भूल ही गए। क्या कोविड कंट्रोल में है, क्या कोरोना कंट्रोल में है? देखिए, कोविड-19 का प्रभाव विश्वव्यापी है, देशव्यापी है, अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सामने जिस प्रकार की चुनौतियां थी, आबादी के हिसाब से 24 करोड़ की आबादी, पहले तबलीगी जमात का, उसके बाद माइग्रेंट लेबर का चैलेंज हमारे सामने था, उस सब के बावजूद हम लोग अब तक लगभग 1 लाख के आसपास हमारे पास पॉजिटिव केसेस आए हैं और इसमें से 60,000 से अधिक रिकवर होकर के जा चुके हैं। जो हमारे पास 40,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, इसमें से लगभग 15,000 होम आइसोलेशन में हैं, शेष विभिन्न हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। दुनिया के अंदर अगर इसी प्रकार की आबादी के देश से उत्तर प्रदेश की तुलना आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश का परिणाम किसी से भी बेहतर होगा। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश ने जो कार्य योजना बनाई और जिस ढंग से काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, प्रेरणा थी, माननीय गृह मंत्री जी समय समय पर हम लोगों को इसके बारे में अवगत कराते थे, उनका मार्गदर्शन मिलता था। ये जो कार्यक्रम चले हैं, हम लोगों ने सभी चीज़ों को एक साथ किया। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कोरोना कालखंड में भी अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने में काफ़ी हद तक सफल हुई है और हम आने वाले समय में इसको और बेहतर करने जा रहे हैं। तो हमें तो कोरोना से भी लड़ना है, सामान्य जनजीवन को भी सुचारू रूप से संचालित करना है, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को भी आगे बढ़ा देना है और हम उसी रूप में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कई सारे इनिशिएटिव्स की बात की है, जैसे आपने कहा कि एक टॉय पार्क बनना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या चीनी कंपनियों के मुकाबले जो हम एक अभियान लगातार चला रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का, उसके लिए आपने कौन कौन से और इनिशिएटिव्स लिए हैं? क्योंकि टॉय पार्क के बारे में आपने पढ़ा कि अब एक पूरा हब यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं। काफ़ी चीज़ें हमारी चल रही हैं, हमारे पास उस प्रकार की संभावनाएँ हैं और हम लोगों ने उनके लिए ज़मीन अलॉटमेंट की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। यमुना एक्सप्रेस वे में उसको लैंड वगैरह सब आइडेंटिफाई हो चुका है, कार्रवाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में व्यापक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं के बीच में हम लोगों ने कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान,
केवल हम लॉकडाउन को ही इन्फोर्समेंट तक ही सीमित नहीं रहे या डोर स्टेप डिलीवरी तक ही सीमित नहीं रहे या माइग्रेंट लेबर को लाने के लिए नहीं रहा, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टीमें बनी थी। मिनिस्टर पॉलिसी बनाते थे, अधिकारियों की टीम उसको इम्प्लीमेंट करती थी, हर एक जिले में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही थी। ऐसे ही अलग अलग कार्य के लिए कि यहाँ पे जो लेबर क्लास है उसके लिए कौन ग्रुप काम करेगा, कौन ग्रुप डोर स्टेप डिलीवरी के काम को ठीक करेगा, कौन हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग का काम करेगा, अलग 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 जिम्मेदारी सब हर एक ग्रुप को दी गई थी, वो अपने कार्य को उसी रूप में आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे ही निवेश को लेकर के भी हमारी तीन अलग टीमें काम कर रही थी, एक MSME को लेकर के था, एक हमारे यहाँ बड़े उद्योगों के लिए था, एक बाहर के देशों के लिए भी यहाँ पर अलग अलग जो है हम उस प्रकार की व्यवस्थाएं दे सकें कि उनके निवेश को यहाँ पर आमंत्रित किया जा सके, इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहा था। तीसरा ग्रुप, ये सब लगातार यहाँ पे काम किए हैं और मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा निवेश कराने में सफल होंगे, क्योंकि इस दौरान हम लोगों ने अपनी पॉलिसी को आफ्टर कोविड क्या होना है इसके लिए तैयार करने के लिए जहाँ आवश्यकता पड़ी पॉलिसीज में चेंज करने की वहाँ हमने किया, जहाँ आवश्यकता पड़ी कि कोई कदम उठाने की वहाँ पे हमने कौन उस प्रकार का कदम उठाए हैं। एक बात और है कानून व्यवस्था को लेकर, हाल ही में बिकरू गांव में हुआ, गोरखपुर में किडनैपिंग की वारदात हुई, उस पर विपक्ष ने बहुत हल्ला मचाया कि देखिए कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है, योगी जी तो कहते थे कि हम तो गोली मार देंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। विपक्ष का काम हल्ला करना है, कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हल्ला करके कर रहा है। हमारा काम है प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, हम अपना वो काम कर रहे हैं। देखिए गोरखपुर में जो घटना घटित हुई थी, जिस बच्चे की हत्या हुई थी उसी के दोस्त, उसी गांव के और उसी के दोस्त थे, हम उम्र के लोग ले गए थे, ये अपहरण की घटना नहीं थी बल्कि गांव के लोगों ने ही, गांव के ही लड़कों ने, दोस्तों ने धोखे से उस लड़के को ले जाकर उसकी हत्या की थी और सभी लोग पकड़े गए। 24 घंटे के अंदर पूरे मामले को वर्कआउट भी किया गया। विक्रू में जिन लोगों ने जो किया उसमें जो भी दोषी होगा पुलिस ने अब भी कार्रवाई की है और आने वाले समय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक न्यायिक आयोग गठित किया है और स्टेट गवर्नमेंट ने SIT का गठन किया है। रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी जिम्मेदार होगा उनकी जवाबदेही तय होगी, कार्रवाई होगी। अपराधियों और ब्यूरोक्रेसी के नेक्सस या पॉलिटिकल नेक्सस, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में इसके बारे में सॉलिड कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि संगठित अपराध के जो गिरोह हैं वो अभी भी चलते हैं उत्तर प्रदेश में जेलों से? देखिए हमारी जेलें इस समय कोई अपराध यहाँ से संचालित नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ हर जेल इस समय CCTV कैमरे लग चुके हैं। लखनऊ में हम जेल मुख्यालय से बैठ करके एक वीडियो वॉल के माध्यम से हर एक जेल की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। मुझे लगता है देश का पहला राज्य होगा जिसने तकनीक का बेहतर उपयोग किया है। हम लोग दूसरा कार्य इस बारे में कर रहे हैं कि अपराधियों को, वे अपनी गतिविधियों को संचालित कब करते हैं, जब वह कोर्ट जाते आते समय लोग मिलते हैं, जो मूवमेंट होता है उस दौरान। इसके लिए जो दुर्दांत अपराधी हैं या माफिया हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही उनकी उपस्थिति दर्ज हो और उनका ट्रायल हो, इस पर हमारी कार्रवाई चले। बहुत सारी जेलों में हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है और न्यायालय से भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अगर न्यायपालिका इसमें सहमत होगी तो हम इसको हर जेल में लगा करके इसको उसी के माध्यम से करेंगे। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश अगर आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे और जितना बिगड़ा प्रदेश था उस हिसाब से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी स्थिति में है, उसको और अच्छी स्थिति में लाने के लिए कार्य हो रहे हैं। अब योगी जी इतने देखते 3 साल गुजर गए, 3.5 पूरे होने जा रहे हैं लगभग, 2022 भी सामने है, आप क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई खड़ा है, और अगर खड़ा है तो SP है या BS, मतलब अखिलेश हैं, मायावती जी हैं या फिर प्रियंका गांधी? देखिए चुनाव लोकतंत्र का एक हिस्सा है, हमने जनता के साथ जो बातें कही थी, जो वायदे किए थे, हमने उसको पूरा किया है। 2017 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, दोनों के परिणाम स्पष्ट संकेत हैं। 2022 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ
विजयी होकर के आएगी और फिर से सरकार बनाएगी। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपने विदेशी आक्रांताओं की बात की उससे जुड़ा है। अभी भी हमारे देश में कई नाम हैं, जैसे कनॉट प्लेस को हमने राजीव गांधी और इंदिरा चौक कर दिया, तो क्यों ना औरंगजेब को APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया, तो क्यों ना बाबर लेन और बाबर रोड के भी नाम बदले जाएँ? आपका क्या मानना है इसके बारे में? देखिए, फेज वाइज सारे कार्य हो रहे हैं। आखिर फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, देखते रहिए, इंतज़ार करिए, सारी चीज़ें पहले ही आपके सामने हो जाएंगे तो फिर आपके पास समाचार दिखाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। मतलब हमारे पास पुख्ता समाचार आने वाले समय भी आते रहेंगे, इसलिए इन चीज़ों को आप देखते रहिए। आखिरी चीज़ जानूंगा सर, अब राम मंदिर तो का सपना तो पूरा होने जा रहा है 2022 तक, अब मोदी जी के एजेंडा पे क्या है? देखिए, गाँव है, गरीब है, किसान है, और भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी अहर्निश प्रयास कर रहे हैं और उस दिशा में उनके द्वारा उठाए गए कदम अविस्मरणीय हैं, सराहनीय हैं। मैं धन्यवाद नहीं, आज जय सिया राम कहूँगा। आपने हमको इतना वक्त दिया योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। और योगी जी ने बताया कि आगे की उनकी उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या सोच है, क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे। योगी जी को पूरी उम्मीद है, पूरा उनका दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी।